हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खबर है, यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता, ऑस्ट्रेलिया के ऐलान से कनाडा चकनाचूर। ओहो, चलो देखें, इंडिया यूएन एससी सीट कनाडा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम पे अगर इस टाइप की बातें भी हो रही होंगी तो कनाडा को बड़ी तकलीफ होनी है। चलो शुरू करें। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो को उम्मीद के मुताबिक अपने ही सहयोगियों से समर्थन नहीं मिल रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का नाम लेकर जस्टिन ट्रूडो अकेले पड़ गए हैं। लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारत के साथ डबल गेम खेलने के चक्कर में अमेरिका ने कनाडा को बुरी तरह से फंसा दिया है। कनाडा अमेरिका के झांसे में वैसे ही फंसा है जैसे यूक्रेन फंसा था। नतीजा ये हुआ कि अब जेलेंस्की भी गालियां खा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो भी गालियां खा रहे हैं। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के इस बयान ने कनाडा के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने कनाडा को बुरी तरह से फंसा दिया है, और वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को स्थायी सदस्यता देने की बात कही है। दरअसल एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि कनाडा ने जो आरोप भारत पर लगाए थे वो फाइव आईज संगठन के एक सदस्य ने कनाडा को बताए थे। द फाइव आईज अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की खुफिया एजेंसियों का एक संगठन है। ये सभी देश एक दूसरे को खुफिया जानकारियां साझा करते हैं। मजे की बात देखिए कि ये वो पांच देश है जहां खालिस्तानी मौज की जिंदगी जीते हैं। इसी संगठन के एक देश ने कनाडा से कह दिया कि हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंट्स ने मरवाया। अब ये खुलासा हुआ है कि कनाडा को जानकारी देने वाला वो एक देश अमेरिका था। वैसे अमेरिका के पास भी भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। अमेरिका ने तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कनाडा को बता दी और कनाडा ने ही उन बातों को सच मानकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। लेकिन जब भारत ने दुनिया के सामने खड़े होकर इस गंभीर आरोप के सबूत मांगे तो सबसे पहले अमेरिका ही पलट गया। अमेरिका ने तो कनाडा को ही गालियां देनी शुरू कर दी, और कनाडा का हाल तो आप देख ही रहे हैं। बहरहाल अब फाइव आईज में कनाडा को ना तो अमेरिका का साथ मिल रहा है और ना ही ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड का तो कुछ अता पता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग कर दी। ग्रेटर परमानेंट एंड नॉन परमानेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर अफ्रीका, फॉर लैटिन अमेरिका एंड एशिया, इंक्लूडिंग परमानेंट सीट्स फॉर इंडिया एंड जापान। इसी बीच भारत ने अब कनाडा के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं, सबकी लिस्ट बनाई जाए। ये लिस्ट इसलिए बनाई जा रही है ताकि इन खालिस्तानियों की भारत में एंट्री बैन की जा सके और पंजाब में इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा सके। इन सभी खालिस्तानियों की बैंक डिटेल्स भी जमा की जा रही हैं, ताकि इनके बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज किया जा सके। मैं तो कहती हूँ खाली इनके बैंक अकाउंट्स ही नहीं, देखो कि इनके रिश्तेदार कौन है, जिन जिन से ये कांटेक्ट में रहता है उन सबके भी कर दो जो इंडिया में रहते हैं, और साथ में जिनको भी ये पैसे पूसे या किसी भी टाइप से बिजनेस डीलिंग्स करता था इंडिया में उन सबके भी बंद कर दो। सारों के ऐसे ऐसे बंद करो कि सबको पता चले कि इन ऐसे टाइप के लोगों के साथ कांटेक्ट रखना भी हमारे लिए मुसीबत हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया। तो मैं तो पहले ही बोल रहा एक वीडियो में बताया था कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर इतना कनाडा बोलता नहीं, जो हुआ बस चुपचाप बैठा रहता, निजर की मौत पर ना बोलता, तो इतने एक्शंस इंडिया ना लेता। हमारे फायदे में हुआ ये कनाडा का बोलना, क्योंकि अब हम और स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं। हमने कहा भैया तुमने हमारे ऊपर इस टाइप का आरोप लगाया, लो अब जो तुमने रखे हुए खालिस्तानी वहां उनके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे। खाली कनाडा नहीं, बाकी सारी और बाकी कंट्रीज में जहां पे भी खालिस्तानीज हैं, अब वो तो गए काम से, क्योंकि उनका जो ओसीआई है
वो तो जा रहा है, वो तो टट्टा बाय बाय हो गया, और साथ में कह रहे प्रॉपर्टी भी इनकी सारी जाएगी, बैंक अकाउंट्स भी इनके सारे जाएंगे इंडिया से, ये लोगों का अब इंडिया से जो है सारा काम जो है तमाम हो जाएगा, ख़त्म। राइट, देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कनाडा को सपोर्ट नहीं मिला फाइव आइज का, नहीं मिला, उन्होंने लोग सोच रहे हैं कि दे दी सपोर्ट देना था तो पीछे हट गया। मेरे ख्याल से रिपोर्ट में लिखा होगा कि आप कुछ इस एंगल में देखिए, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है इंडिया के एजेंट ने कुछ किया हो, इस एंगल से देखिए, इस एंगल से देखिए, उन्होंने कई बातें बोली होगी, उसको इंटरप्रेट करने का मतलब था कनाडा को इन्वेस्टिगेट करना था, आगे प्रूफ लाना था, फिर आगे बढ़ना था। वो भैया को इतनी तड़पन हुई, कुछ हुआ, वो अगले दिन आके बक गया कि भैया हम इनका इन्वॉल्वमेंट है। मैंने जहाँ पढ़ रही थी ना, वहाँ ये बोल रहे थे कि जो भी बोला गया था वो था कि भैया इसमें हाथ इंडिया का या जो भी हो सकता है या है या कुछ, पर उन्होंने सबूत वबूत कुछ नहीं दिए हुए थे, तो इनको कनाडा को जो है इन्वेस्टिगेट करना था, वो सबूत इकट्ठे करने थे। इन जो ये ट्रूडो है या जो कनाडा में जो भी थे, इन लोगों ने उस जो मिली इन्फॉर्मेशन उसको मिस इंटरप्रेट करके ये ले लिया कि भैया सबूत आ गए, इंडिया का हाथ है, और ये बोल पड़ा। उसके बाद यूएसए ने बोला मेरे पास सबूत नहीं है भैया, क्या बोल रहे हैं, तो यही बोला कि इंटेल है कि इंडिया का हाथ हो सकता है भैया इसमें, बड़ा बात खुद इन्वेस्टिगेशन को, मतलब मेरे ऐसा कुछ होगा। उनके पीएम में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, मिस्टर ट्रूडो में वो तो है, मैनेजमेंट में तुम एलिगेशन दे रहे हो, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, फाइव आइस का तुमने ये भी ब्लो अप कर दिया कि यूएसए ने बताया था अपने आप को बचाने के लिए, बहुत कुछ उसने ऐसी चीजें कर दी है विच इज अ प्रॉब्लम। उसके बाद अब सब देश वाई वाइज कह रहे हैं हाँ भाई क्रेडिट पर बहुत गलत बात है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करो, उससे पता लगेगा एग्जैक्टली कौन कल्प्रिट है, फिर देखेंगे। साथ में वो बोल रहे हैं कि तब तक तुम गद्दी में होगे ना, काम खत्म, दूसरा बंदा आएगा। वैसे तो ये बैठ के सोचा जल्दी ये जाए, कोई और आए, ताकि कनाडा और यूएसए के भैया डेमोक्रेसी है, तुम हट जाओगे दूसरा बंदा आ जाएगा, पीएम को हेल्प करते हैं वो आ जाए, काम खत्म हो गया। मगर एक प्राइम मिनिस्टर जो इतनी सीनियर पोजीशन पे है, बिना किसी प्रूफ के बोल देता है, वो उसकी अपनी गलती थी। और इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे और मतलब देखने वाली बात है, वो तो कॉमन नॉलेज इंटरनेट में अवेलेबल है, क्यों इंटरनेट अवेलेबल है भाई, खालिस्तान कहाँ पे बनाने की कोशिश करें, इंडिया में, तो वही तो कॉमन सेंस है, वही तो मेरे ख्याल से वही कह रहे हैं, उनके पास सिवाय इंटरनेट के और कोई नहीं थी इंटेल, उनको सुनी सुनाई खबर मिली थी हमसे, क्योंकि यहाँ इंडिया से हर जगह से यही बात हो रही थी कि इंडिया ने कराया। इन्होंने जो आम यूट्यूब में लोग बैठ के बोलते हैं वो सुन के वो इंडिया ने कराया हो गया। और यूएनएससी में सीट के लिए प्रॉब्लम चाइना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसमें कनाडा इन्वॉल्व है, ना ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व है, दुनिया भर की जनता बोलते हैं इंडिया को बना उसे कुछ नहीं होगा, मेन चाइना है, चाइना को जब सीधा करेंगे तब सब सही हो जाएगा। देखते अब कैसे सीधा करना है भैया, कोई आइडिया दो, चाइना को बड़ा सीधा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तो बना कर पर रहा। एक बात है, जो भी हुआ उससे इंडिया का बहुत फायदा हो रहा है, एक तो इंडिया दिख रहा है कि कितना स्ट्रांग है, वो घर में घुस के मारेगा अपने अगेंस्ट जो भी एलिमेंट्स तुमने रखे हुए होंगे, चाहे तुम कुछ कर लो, चाहे तुम बोल लो, चाहे तुम कुछ भी करो, इंडिया करेगा ही करेगा। लोगों को पता चल गया मोदी जी का, मोदी जी ने बोला घुस के मारेंगे, मोदी जी कर रहे हैं, सब लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ गई इंडिया। और अब खालिस्तानियों के ऊपर और भी एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं, जो अभी हमें दिख रहा है कि उनके सारी चीजें जब्त हो रही हैं, और अब प्रेशर मारेंगे सारी कंट्रीज को कि तुम्हारे यहाँ पे जो खालिस्तानी बैठे तुम इन पे एक्शन लो। अब नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।